अस्सलामुअलैकुम मेरे परदेसी भाई, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो भी मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछते हैं नकल कफाला ट्रांसफ़र या काम से रिलेटेड या हरूप से रिलेटेड या फिर अब्सेंट फ्रॉम वर्क फाइनल एग्जिट, ये सारा जो है सवाल मुझसे पूछा जाता है मेरे वीडियो में। तो मैं आज उसी सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो भी आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरा एक भाई का सवाल है कि 4 साल 7 महीना हो गया है सऊदी में, हमारे कफ़ील ने मेरे ऊपर हरूप लगा दिया है। मेरा कफ़ील जो है अपाहिज है, लंगड़ा है, 15 दिन हो गया हरूप लगाए हुए। भाई क्या उपाय है प्लीज़ बताएं, या फिर किस तरीके से मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ, मेरा सवा खास का वीज़ा है। तो देखिए भाई, जो भी सवा खास का वीज़ा यानी कि डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनका जो कफाले का सिस्टम वो पूरा का पूरा डिफरेंट होता है जो कि डोमेस्टिक वर्कर से होता है। डोमेस्टिक वर्कर का तो डिजिटल हो जाता है, लेकिन जो भी कमर्शियल वर्कर होते हैं यानी सवा खास या हाउसमेड हो गए या फिर वॉचमैन हो गए, जो भी हो गए, तो उनका जो भी ट्रांसफ़र का जो तरीका होता है वो ऑफलाइन होता है, जब जात के थ्रू होता है। तो अगर आपके ऊपर हरूप लगा हुआ है, झूठा हरूप लगा है, तो उसके लिए फिर आपको मकतब अमल में जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आप अपना सारा बात बताएं कि मेरे कफील ने मुझ पर झूठा झूठा हरूप लगा दिया है। तो उसके बाद जो है दोनों आदमी को बुला करके वहाँ पे चेक किया जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आप सही पा जाते तो फिर वहाँ पे आपका हरूप कैंसिल हो जाता है। तो ये बात रही कि ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र के लिए फिर आपको जो है ऑफलाइन चलना पड़ेगा, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। आप मुझसे वीडियो में फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट को। यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है कि सर जी, मेरा 15 दिन हुआ सऊदी में आए हुए, अभी तक इकामा नहीं बना है, और मेरा वीज़ा जो है वर्कशॉप यानी कि वर्कर का है, क्या मैं दूसरी कंपनी में तनाजो ले सकता हूँ, प्लीज़ बताएँ। तो मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जिनका भी 3 महीना यानी कि अभी प्रोविजनल पीरियड आप लोगों का चल रहा है, तो प्रोविजनल पीरियड में 3 महीना तक जो है कफील के पास टाइम होता है कि वो आपका इकामा बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, ठीक है। तो 90 डेज़ तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर 90 डेज़ के बाद भी अगर आपका कफील, आपका स्पॉन्सर आपका इकामा नहीं बनाता है, तो फिर वहाँ पर जो है आप अपना 35वें दिन जाकर के किसी भी कंपनी में कफाला ले सकते हैं, इसी वे में आपका कफाला हो जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि 90 डेज़ नहीं हुआ है, मेरा इकामा नहीं बना, जब तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डेज़ तक आपका प्रोविजनल पीरियड होता है, यानी कि आपका वीज़ा का जो टाइमिंग होता है वो 90 डेज़ का होता है। तो उसके जो है कफील के अंदर में ये है कि वो 90 डेज़ तक इकामा नहीं भी बना सकता है, क्योंकि आपका वीज़ा का टाइम ही 90 डेज़ होता है। हाँ, अगर 90 डेज़ के बाद नहीं बनाता है तो फिर आपके ये जो है इजी वे में कफाला ले सकते हैं, इसके में कोई मुश्किल नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा कमेंट को। यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, सऊदी में 1 साल पूरा नहीं हुआ है लेकिन इकामा जो है एक्सपायर हो गया, क्या कफाला ले सकते हैं? तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिन लोगों का भी 1 साल कम्प्लीट हो गया है, इकामा एक्सपायर हो गया है, लेकिन अगर जिन लोगों का एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है और उनका इकामा एक्सपायर हो गया, तो आप इजी वे में कफाला ले सकते हैं। इसमें उस जो भी रूल रेगुलेशन है आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रूल है कि जो लोग भी कफाला लेना चाहते हैं तो उनको 1 साल मिनिमम जो है अपने स्पॉन्सर के पास काम किया हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर आपका इकामा ही नहीं बना है या फिर इकामा एक्सपायर है, तो फिर वहाँ पे 1 साल का जो वर्क काम करने का जो रूल है कि अपने स्पॉन्सर के पास काम करना पड़ेगा, तो वो रूल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो फिर आप जो है 7 महीना काम किए हो या 7 दिन काम किए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 90 डेज़ के बाद यानी कि प्रोविजनल पीरियड के बाद, तो अगर आपका 7 महीना हो चुका है, 8 महीना हो चुका है, 4 महीना हो चुका है, अगर आपका इकामा एक्सपायर है या नहीं बना, तो फिर इजी वे में आप अपना कफाला ले सकते हैं, बड़ी आसानी से आपका कफाला हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे मेरा एक भाई का सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा की वर्क में जो है टर्मिनेट कर दिया है, सिस्टम रिमूव कर दिया है, ऑनर इस मामले में क्या कर सकता है, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दें। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का इस तरह का मसला होता है कि वो लोग क्या करते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट को बिना कम्प्लीट किए ही क्यूआ पे जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे टर्मिनेट कर देते हैं। तो इस तरह का गलती आप लोग नहीं करें, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे पहले कम्प्लीट करें,
कम से कम 90 डेज़ पहले टर्मिनेट करना आपको, यानी कि अगर आपका 4 महीना बाकी है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में, तो आप 3 महीने पहले जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है कंपनी आपके ऊपर क्लेम कर सकती है, क्योंकि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया है। और भी बहुत सारा कंडीशन है कि वो आपका फाइनल एग्जिट भी लगा सकती है, या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर हुरूप भी अप्लाई कर दे, तो बहुत सारा कंडीशन है। तो इस तरह का कोई भी गलती आप लोग ना करें मेहरबानी, आप लोग अपना पहले कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लें। उसके बाद जो है आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम होता है उससे 90 डेज़ पहले जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें, तो ईजी वे में जो है आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा वहाँ पर। चलिए अब देखते हैं दूसरा कमेंट को। तो यहाँ पर मेरा एक भाई का सवाल है जो कि बहुत अच्छा सवाल है कि अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो कैसे नकल कफाला करें। तो देखिए, अगर आपका जो है इकामा एक्सपायर हो चुका है, तो जो लोग भी डोमेस्टिक वर्कर में हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ मोस्टली, कि जो लोग भी डोमेस्टिक वर्कर में हैं, मान के चलिए आपका इकामा एक्सपायर हो गया, अब आपको है नकल कफाला लेना है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने क्यूवा पे जो है तलब मंगाना पड़ेगा, यानी कि रिक्वेस्ट मंगाना पड़ेगा। तो उसको रिक्वेस्ट मंगाएंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट को आपको जो है अप्रूव करना पड़ेगा, यानी कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं वहाँ पर, तो फिर जो है वहाँ पे आपका क्या होगा कि आपको जो है 90 डेज़ का यानी 16 डेज़ का जो है टाइम मिलता है। 90 डेज 16 डेज दोनों मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर केस में 16 डेज़ का ही टाइम मिलता है। तो 16 डेज़ के अंदर में आपको टाइम मिलता है नकल कफाले का, अगर आपका इकामा एक्सपायर होगा तो। फिर वहाँ पे क्या होगा कि आप जो कंपनी आपको अपने अंडर में ले रही है, वो आपका जो भी इकामा तस्दीक यानी कि इकामा रिन्यूअल का पैसा होता है वो पे करेगी, आपके नकल कफाला यानी ट्रांसफ़र का जो फीस होता है वो पे करेगी। उसके बाद अगर आपका कोई वायलेशन नहीं मिलता आपके ऊपर, तो फिर वहाँ पे जो है इजी वे में आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाता है इजी वे में। तो ये बहुत अच्छा सवाल था जो मेरे भाई लोग पूछते ही नहीं हैं, जो मेन बात होता है इन भाइयों ने पूछा है। तो ये मैंने तरीका बता दिया कि किस तरीके से अगर आपका इकामा एक्सपायरी हो तो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे मेरा एक भाई का सवाल है, सर मेरे को आए हुए 10 महीना हो गया है, कफ़ील इकामा नहीं बना रहा है, 3 महीना हो गया है इकामा एक्सपायर हुए, कफ़ील कहता है कि घर जाओ काम नहीं है, तो क्या मैं दूसरे कंपनी में कफाला ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए भाई, काम नहीं है चाहे कुछ भी एक्स वाई जेड, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। अगर आपका इकामा एक्सपायरी है तो इजी वे में आपका कफाला हो सकता है। मैंने ऑलरेडी इस भाई दूसरे भाई को इससे पहले मैंने जवाब दिया है, उस तरीके से जो है आप अपना नकल कफाला ले सकते हैं अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है। लेकिन एक चीज़ को आप लोग को गौर करना है कि इकामा आपका एक्सपायर हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज मान के चलिए आज 1 तारीख है मेरा इकामा एक्सपायर हो गया, तो मैं 2 तारीख को जाके ट्रांसफ़र ले लूँगा। नहीं, कम से कम आपको 4 से 5 दिन वेट करना पड़ेगा। यानी कि आज अगर 1 तारीख है आपका इकामा एक्सपायर हो गया, तो 5 तारीख तक आपको वेट करना पड़ेगा। 6 तारीख को यानी 6 को आप जाके अपना नकल कफाला ले सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी। चलिए अब देखते हैं दूसरा कमेंट को। तो यहाँ पे मेरा एक भाई का सवाल है, भाई साहब मेरा फाइनल एग्जिट MBC से लगा हुआ है, क्योंकि मेरा 4 महीने से इकामा एक्सपायर था, इस बीच अगर कोई कंपनी कफाला के लिए ऑफ़र करे तो क्या कफाला ले सकते या हो सकता है। तो देखिए भाई, मैंने हर वीडियो में इससे पहले भी फाइनल एग्जिट के बाद कफाले का जो सिस्टम होता है उसको भी मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस भाई का जवाब दे देता हूँ जो भी आप लोगों का सवाल था, कि जिनका भी फाइनल एग्जिट लग गया है, एक बार अगर लग गया है, तो फिर आपका ना इकामा वहाँ पे रिन्यू होता है, ना वहाँ पे आपका जो है कफाला हो सकता है। लेकिन अगर आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल कर दे आपका कफील या स्पॉन्सर, तो फिर हो सकता है। लेकिन बात ये रही यहाँ पे कि MBC का है, तो वहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने MBC जाना पड़ेगा फाइनल एग्जिट कैंसिल करवाने के लिए। लेकिन MBC आदमी जाता क्यों, पहले ये समझ लीजिए, उसका भी बहुत सारा रूल है। बहुत सारे लोगों का हुरूप हो इकामा एक्सपायर है तो फाइनल एग्जिट के लिए MBC जाता है, लेकिन एक बार जब फाइनल एग्जिट MBC अप्लाई कर देती है तो फिर वो कैंसिल नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई। तो वहाँ पे जो है आपका कफाला नहीं होगा, चाहे कितनी बड़ी कंपनी आपको ऑफ़र क्यों ना कर दे। लेकिन यहाँ पे अगर उसी केस में अगर कंपनी या फिर कफील आपके ऊपर फाइनल एग्जिट अप्लाई कर देता है, तो फिर आपके पास टाइम होता है 60 दिन का,
20 दिन के अंदर में जो है कफ़ीला आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल कर सकता है, जीरो पैसा पे किए हुए, यानी कि 1 रुपया उसको पे नहीं करना पड़ेगा, आपका फाइनल एग्जिट कैंसिल कर देगा। फिर वहाँ पे जो आप अपना नकल कफाला ले सकते हैं फाइनल एग्जिट कैंसिल होने के बाद। बात रही 20 दिन के बाद क्या होगा, 20 दिन के बाद अगर आपका कफ़ील आपके ऊपर से फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल नहीं करता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, फिर फाइनल एग्ज़िट कैंसिल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता, हो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फ़ाइनल एग्ज़िट अगर आपके ऊपर लगा हुआ है, फ़ाइनल एग्ज़िट अप्लाई हो गया है, तो फिर उस बीच में जो है आप अपना नकल कफाला नहीं ले सकते, आपको फिर अपने कंट्री ही जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट को। यहाँ पे एक भाई का सवाल है, भाई अगर एकामा एक्सपायर रहेगा तो फाइनल एग्ज़िट के लिए क्या प्रोसीजर होगा लीगल तरीका से। देखिए जिनका भी फाइनल एग्ज़िट जो होगा एकामा अगर एक्सपायर है तो लीगल तरीका क्या होता है कि उसके लिए फिर आपको जो है अपने एम्बेसी में जाना पड़ेगा, जो भी आपका एम्बेसी होगा, क्योंकि एम्बेसी खुद कहती है कि जिनका भी एकामा एक्सपायर हो या हुरूप हो या फिर जिनका वीज़ा एक्सपायर हो तो वो फिर उनके लिए इजी वे में उनका फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा के भेज देती थी। तो यहाँ पे अगर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाना है, आपका एकामा एक्सपायर है तो इजी वे में हो जाएगा, आपको अपने एम्बेसी में जाएँ, एम्बेसी में जा कर के आपको अपना एकामा का फ़ोटो लेके जाएँ, जो भी एक्सपायर हो चुका है चाहे जो भी हो चुका है, फिर आपको जो है अपने नेशनल का जो है जिस कंट्री से हैं वहाँ का जो आईडी कार्ड होता है वो लेके जाएं, वैलिड पासपोर्ट लेके जाएं, वहाँ पे अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें, फिर वहाँ पे से जो है आपको एक डेट दिया जाता है, उस डेट में आपका जो भी ऊपर आपका वायलेशन होता है वो चेक किया जाता है, उसके बाद फिर 2-3 डेट में आपका जो है फाइनल एग्ज़िट अप्लाई हो जाता है एम्बेसी के थ्रू। तो इस यानी सीधी सीधी बात है कि अगर आपको एकामा एक्सपायर है तो आपको अपने एम्बेसी से जाकर के ही फाइनल एग्जिट लगवाना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतने ही सारे कमेंट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो भी कमेंट बचता है फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, आपका कोई सवाल होता है तो आप मुझसे जो है वीडियो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और अगर आपका सवाल ज़्यादा लंबा हो तो आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कॉल करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो अब तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए